सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो, अब खबर ललितपुर से। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई है और पंचायत चुनाव का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ये सरकार प्रधानों से चार्ज लेकर अपने सरकारी अधिकारियों को बैठाना चाहती है। हम लोगों ने मांग की है कि जिस तरह मध्य प्रदेश और भी कई प्रदेशों में कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, उसी प्रकार यहां भी कार्यकाल बढ़ाए जाएं। ललितपुर से संवाददाता अशोक सेन की रिपोर्ट। कायम है उसका जलवा, कायम है उसका पुत्र मुलायम से तरह का ज्ञापन दिया गया। हम लोगों ने, हमारा जो किसानों के समर्थन में आंदोलन चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आज हम लोगों ने एक दूसरा ज्ञापन भी दिया है। जो पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहा है 25 दिसंबर, और ये सरकार उसको प्रधानों से चार्ज छीन कर अपने सरकारी अधिकारियों को बैठाना चाहती है। हम लोगों ने ये मांग की है कि आप जो है, जिस तरह मध्य प्रदेश में और भी कई प्रदेशों में कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, उसी तरह यहाँ भी प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और क्योंकि प्रधान जो है वो जनता के लिए उत्तरदायी होता है, और प्रशासनिक अधिकारी आप बैठा देंगे वो तो उत्तरदायी नहीं होता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, काम नहीं होंगे ठीक से। तो हम लोगों की मांग ये है कि प्रधानों के कार्यकाल को और कोविड के चलते 6 महीने बढ़ाया जाए। किस तरह का आश्वासन मिला जिलाधिकारी? हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया हम उसको भेज देंगे, ये हम लोगों की मांग है।